लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब, छुरी से मारने में बड़ी देर लग जाएगी। गोलियों से भून देते हैं कमीनी को। नहीं, बंदूक से तो ये फौरन मर जाएगी। मुझे इसके जिस्म का गरम गरम खून बूंद बूंद करके बहाना है, ताकि छुरे के हर वार पे ये चीखे, तड़पे, रहम की भीख मांगे। मालिक, अब ये औरत मामूली औरत नहीं रही है, अब ये चंडी बन गई है, महाकाली दुर्गा। जो भी इसे हाथ लगाएगा जलकर राख हो जाएगा। क्या पकता है बंसी? पक नहीं रहा मालिक। जानकी के चारों तरफ जनता के प्यार की ऐसी मजबूत दीवार है कि जो भी उससे टकराएगा अपना सर फोड़ेगा। तो तुम क्या चाहते हो, हम अपने अपमान को चुपचाप सह लें? बदले की आंख हमें चैन से जीने नहीं देगी। आप बदला ले सकते हैं, ऐसा बदला कि जानकी अपने आप बिना मौत मर जाएगी। कैसे? सेठ जी, जानकी की जिंदगी, उसकी आशाएं, उसकी सारी उम्मीदें, उसकी हर सांस अपनी इकलौती बेटी खुशबू के लिए। खुशबू को बर्बाद कर दीजिए, जानकी मर जाएगी। खुशबू। गुड मॉर्निंग खुशबू। गुड मॉर्निंग मैम। बंबई से तुम्हारे अंकल आए हैं। आ गए, मम्मी भी होंगी साथ में। हेलो खुशबू, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। मेरा नाम गिरधारी लाल है। ओ, लेकिन मम्मी... तुम्हारी मम्मी किसी काम की वजह से नहीं आ सकी। ओ, और गौरी शंकर जी म्यूनिसिपैलिटी की एक बहुत जरूरी मीटिंग में बिजी हैं। तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है तुम्हें मुंबई लाने के लिए। ओ, और हाँ, तुम्हारे लिए ये खत भी भेजा है। चलती हूँ अंकल। नमस्ते। हेलो, मेरी मम्मी ने मुझे इनके साथ बंबई बुलाया है। देखिए मैम, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, गुड बाय। ला ला, वो बैग मुझे दे दे, चलो। रघुआ, जरा जल्दी, खुशबू वहां इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपका भेजा हुआ आदमी खुशबू को लेकर गया है। मेरा भेजा हुआ? यस, ये लेटर दिया था ना आपने उसे। तेरी माँ को जब मालूम पड़ा होगा कि उसकी लाडली गिरधारी लाल के हाथों में है, तो बेचारी अब तो खौफ और सदमे से मर चुकी होगी। अफसोस तो इस बात का है कि तू अपनी माँ की जलती हुई चिता को नहीं देख सकेगी। चिता तो तेरी जलाएगी मेरी माँ। कालीचरण, ये तेरे भाई की बेटी है ना? अरे कौन जाने किसकी बेटी है, पता नहीं जानकी ने किस किस के साथ अपना मुंह काला किया है। रुको रघुआ, वो पापी यही है, रुको। अब मैं तुझे कच्ची कली नहीं रहने दूंगा।
आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौरी शंकर जरा देख यहां। भाई साहब को छोड़ दे गौरी शंकर, वरना तेरी जान की और खुशबू की लाशें बिछा देंगे। शाबाश शाबाश। अच्छा बड़ा प्यार है तुझे जान की और खुशबू से। हाँ पकड़े से और बांध दो शरामजादे को और जान की को, और इसकी इसकी लाडली खुशबू को मेरे पास लेकर आओ। छोड़ दो मेरी बच्ची को, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी बच्ची को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बच्ची को। खुशबू गिरधारी, मेरी बच्ची को जलील किया तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। छोड़ दो उसे कमीने। छोड़ दू? तूने मुझे छोड़ा था जानकी? सबीना के बलात्कार के झूठे इल्जाम में तूने मुझसे 7 साल जेल में पत्थर टरवाए हैं। उस बेइज्जती का बदला आज मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी की इज्जत को लूट कर लूंगा। क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है कुत्ते? छोड़ दे खुशबू को। माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ काली, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये राक्षस मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। आज मुझे शक्ति दे माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं अपनी बेटी की इज्जत बचा सकूं। मुझे शक्ति दे माँ, शक्ति दे, शक्ति दे। जानकी अब तो अपनी लाडली बेटी को बर्तन देख। Thank you.
करेंगे। Thank you.
और मैंने उन तीनों हैवानों को खत्म कर दिया जिन्होंने मेरी बेटी को हाथ लगाया था। यह अदालत जानकी देवी का फैसला 10 दिन बाद इस महीने की 24 तारीख को सुनाएगी। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। गौरी शंकर जी, मैं जानती हूं कि अदालत मुझे मौत की सजा देगी, देनी ही चाहिए। मैंने तीन हैवानों का खून जो किया है, लेकिन मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपसे अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगती हूं, पूरी करेंगे। अपनी जान देकर भी मैं इस दुनिया से जाने से पहले खुशबू की शादी देखना चाहती हूं। शंकर जी की कसम, हम तो कवचन देते हैं, खुशबू बिटिया की शादी तेरे सामने ही कराएंगे। और ये जो तुम मरने की बात कह रही हो ना, हम तो कम मरने नहीं देंगे और सजा भी नहीं होने देंगे। ये आपका मुझ पर सबसे बड़ा और आखिरी उपकार होगा। योर ऑनर, जानकी देवी के फैसले को अभी 8 दिन बाकी है। आज उनकी बेटी की शादी है, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें पैरोल पे छोड़ दिया जाए। 2 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड चाहिए जमानत के तौर पर। सरकार, जमानत हम दे देंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। ये बात तुम्हें बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज इस खुशी के मौके पर बता ही देते। हम अपना सब कुछ खुशबू बिटिया के नाम कर दिए, और फिर तुम्हारे और खुशबू बिटिया के अलावा हमारी इस दुनिया में है ही कौन? जानकी
हुआ तो मम्मी? तेरी मम्मी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। मम्मी बोलती क्यों नहीं? बहुत थक गई है, सो रही है। मम्मी मम्मी प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों की प्यारी जानकी भगवान को प्यारी हो गई है। रो मत बेटी, तेरा गौरी शंकर अंकल तो तेरे साथ है। छोड़कर